एक फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के पास इस कार्यकाल में बजट पेश करने का ये अंतिम मौका होगा। ऐसे में इस बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2019 की तैयारी में लगी मोदी सरकार आगामी बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है। 2018 से 19 के आगामी आम बजट में सरकार कर छूट सीमा बढ़ाने के साथ साथ कर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। वित्त मंत्रालय के सामने व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। 2018 से 19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देते हुए 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले लोगों के लिए आयकर की दर 10% से घटाकर 5% कर दी थी। साथ ही 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30% की दर से कर लगाए जाने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस बड़े फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों का दिल जीतना चाहती है। जीडीपी और आर्थिक प्रगति के आंकड़ों में उलझी जनता को टैक्स छूट का लाभ देकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।